फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपन। यहाँ देखिए, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। दो तरह की बेल एक ही पॉट में लगाई है और इसको कुछ इस तरह से कवर किया है कि ये एक इस तरह से आ जाए। मैं दूर से जाकर आपको दिखाती हूँ। जब इसकी ग्रोथ होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से आके यहाँ आ रही है। ठीक है, तो आज मैं आपको सीड का अपडेट दिखाऊँगी। ठीक है, आप में उत्साह जगाऊँगी कि आप गार्डनिंग करना स्टार्ट कर दो। छोटी छोटी चीज़ों में ही कर सकते हो। और आपको बताऊंगी कि इस टाइम पर कौन से समर वाली वेजी आपको लगानी चाहिए। तो ये एक कुंडा टाइप का है जो पिछले 5-6 सालों से मेरे पास पड़ा था। 2 साल पहले मैंने इसमें एक मिनी गार्डन बनाया था और लुक देख लो आप इसका, कैसे भरा हुआ है। दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुंडा है। ठीक है, तो आप इस टाइम पर कौन कौन सी सब्जियाँ लगा सकते हो। देखो, गर्मियों वाले अगर टमाटर हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। आप बीन्स की वैरायटी लगा सकते हो। बहुत सी अलग अलग तरह की बीन्स की वैरायटी आती है, वो आप लगा सकते हो। समर वाले जितनी भी सब्जियां आती है समर में, जैसे पालक हो गया, बैंगन हो गया, तोरी हो गया, घिया हो गया, घिये में भी 2-3 वैरायटी आती है, वो आप लगा सकते हो। लंबा घिया, गोल वाला घिया और एक 56 कद्दू होता है। ठीक है, वो भी घिये की ही वैरायटी है, आप उसको लगा सकते हो। आप ककड़ी लगा सकते हो। तो इसी तरह की बहुत सारी सब्जियां आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हो। आप इस टाइम पर टमाटर भी लगा सकते हो। आप इस टाइम पर गवार की फली लगा सकते हो। आप इस टाइम पर टमाटर मैंने आपको बता ही दिए हैं। आप इस टाइम पर पोई साग लगा सकते हो। पोई साग मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पीछे की तरफ जाकर ये देखो, इस पर सीड बनने लग रहे हैं और ये होता है पोई साग। बहुत जल्दी मैं इसका वीडियो आप सबके साथ शो करूंगी, आपको बता दूंगी कैसे लगाएंगे ये। और एक वैरायटी होती है सीताफल की, वो घिया जो मोटे वाला गोल वाला घिया आता है ना, उस तरह का घिया होता है, आप उसको भी लगा सकते हो। यहाँ पर देखिए, हार्वेस्टिंग में नहीं कर पा रही हूँ। हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पास रेडी हो रखी है। और प्लांट आप देख लो, मैं इनको बांध बांध के थक गई हूँ और ये इतने लंबे हो गए हैं। ये देखो कितने लंबे हो गए हैं। ठीक है, सब जरूरत से ज़्यादा लंबे हो गए हैं। तो बहुत सारी वेजीज हैं, सबके सीड मैं आप सबके साथ शो करती हूँ। आप उनको देखकर, क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे हों जिनको सीड देखकर ही समझ आता हो कि हमें ये सीड लगानी चाहिए। सीड देखकर जल्दी पहचानते हैं, तो वो सारे सीड मैं आप सबके साथ शो कर देती हूँ। तो आप उन्हीं सारी सब्जियों को इस टाइम पर ग्रो करो और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारी सब्जियां जो हैं वो लेकर बैठ गई हूं और आप सबको लाइन से दिखाती जाती हूं। आप ये सारी सब्जियां जो हैं इस टाइम पर लगा सकते हो। यहां पर देखिए, तोरी रखी है तो आप तोरी लगा सकते हो, बैंगन लगा सकते हो। बैंगन में भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है, जैसे कि ये बिल्कुल अंडे जैसा होता है और एक गोल होता है भरता, भरते वाला बैंगन, वो इसी तरह का होता है लेकिन उसका कलर थोड़ा इस तरह का होता है। और ये लंबे वाले बैंगन होते हैं, तो इनको भी आप ग्रो कर सकते हो। देखिए, सबके सीड मेरे पास अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये लोबिया रखा है। ठीक है, ये वाली लोबिया, लोबिया के प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं अभी, लोबिया आप ग्रो करो। इसके बाद यहाँ पर देखिए, क्लस्टर बीन्स रखी हैं। बीन्स की भी मैंने आपको बोला ना कितनी वैरायटी होती है। बहुत से जन इसको भी बीन्स बोलते हैं, इसको भी बीन्स बोलते हैं। और यहाँ मैं ये वाले सीड दिखाऊँ आपको, इसको भी बीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लाइन से ही आते हैं। क्लस्टर बीन्स हो गया, धनिया आप ट्राई कर सकते हो, ये लग जाता है। ये है हरी मिर्च, आप ज़रूर लगा कर देखो, ये भी लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर भिंडी है हमारी, गर्मियों की ही सब्जी है, ये लग जाती है। ये बेसल होती है, मरुआ तुलसी, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसको खाने में यूज़ करते हैं, इसकी चटनी वगैरह बनाकर, तो सब्जियों में ही गिनूंगी। यहाँ पर मेरे पास ये 3 बीज बचे हैं, ये भी बीन्स की ही वैरायटी है। जो मोटी मोटी बीन्स आती है ना, ये उस तरह की बीन्स है। यहाँ पर आप पालक लगा सकते हो, ये देखिए। ठीक है, ये पालक के बीज हैं, बीज पहचान लो अगर वैसे समझ नहीं आ रहा तो, ये देखो पालक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको अमरेंथस, मतलब कि लाल चौलाई ग्रो करना बताया था। ये लाल चौलाई है और ये ग्रीन वाली है। ठीक है, दोनों के पोषक तत्व जो हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, मतलब कि दोनों के समान है। उसके बाद ये पोई साग के सीड रखे हैं, इनको भी आप लगाओ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरे रखे हैं करेले के सीड और ये जो मैंने कोलकाता से मंगाई है बरबट्टी जो लंबी वाली होती है ना, ये उस तरह की है। और इसका मैं दिखाती हूँ पिक आपको, तो इसकी पिक मेरे पास अभी नहीं है। इसके बाद देखिए, ग्वार की फली जो होती है, ये देखिए, इसको भी आप ग्रो करके देख सकते हो। फलियाँ भी बहुत अलग अलग तरह की होती है। देखिए, ये मेरे पास रखी है, ये मेरे खुद के गार्डन की सेव की हुई है, इसको भी आप लगाओ। बीन्स की ये वैरायटी है। इसके बाद यहाँ देखिए, मेरे पास खीरे के
सीड रखे हैं। खीरा भी हमारी सब्जियों में ही यूज़ होता है, मतलब किचन में यूज़ करते हैं, तो आप इसको सब्जी की तरह या फल की तरह भी समझ सकते हो। उसके बाद लास्ट में मैं आपको बोलूँगी आप टोमेटो ग्रो करो, टोमेटो लेकिन समर वाला, विंटर वाला नहीं चलेगा। तो ये कुछ सीड हैं जो मैं ग्रो करती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे सीड होते हैं गर्मियों के वेजीज़ के, जिनको आप ग्रो कर सकते हो। और हल्दी भी इसी टाइम पर लगती है अप्रैल के मंथ में, जैसे ही हमारा मार्च ख़त्म होगा उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो। हल्दी, अदरक, ये सब कुछ गर्मियों की सब्जी हैं, आप इन सबको ज़रूर ट्राई करके देखो। छोटे से छोटे कंटेनर में भी लग जाती है और बड़े से बड़े कंटेनर में भी लग जाती है। अगर आपको पॉट साइज़ जानना हो, मिट्टी जानना हो, कमेंट कर देना, मैं आप सबके साथ ज़रूर शो करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।